हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बात करते हैं क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस के। क्लॉक में क्या सीखना है उनके बारे में बात करेंगे। क्लॉक का बेसिक हम देख चुके थे। बेसिक के बाद हमने क्लॉक का इमेज बेस्ड पोर्शन देखा था, और इमेज बेस्ड पोर्शन के बाद में अब क्लॉक के हम कुछ थीटा वैल्यूज को फाइंड आउट करने की बात करेंगे। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं उसमें टाइम गिवन होता है, टाइम गिवन होने के बाद में आपसे एंगल पूछ लिया जाता है। ठीक है, टाइम गिवन है और एंगल पूछ लिया जाता है। कैसे करना है, एंगल क्या होता है, पहले एंगल के बारे में पढ़ ले, किस तरह के एंगल बनते हैं। देखिए अगर हम क्लॉक की बात करें तो इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं। मान लीजिए 3:30 हो रहा है, तो 3:30 के केस में दो तरह के एंगल बनेंगे। एक तो ये कहलाता है थीटा बिटवीन, और एक ये बड़ा वाला एंगल, इसको बोला जाता है थीटा रिफ्लेक्स। तो एक तो थीटा हो गया छोटा और एक हो गया थीटा बड़ा। तो हमने यहां ध्यान से देखा कि दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तो थीटा बिटवीन और एक थीटा रिफ्लेक्स। अब वो एंगल जिसकी वैल्यू 360 से लेकर 180 के आसपास तक हो, इनके बीच की हो, तो वो थीटा रिफ्लेक्स। इंग्लिश में इसको प्रतिवर्त एंगल भी बोल सकते हैं, बड़ा कोण भी बोल सकते हैं, छोटे वाले को बिटवीन ही बोलते हैं। ये 180 से कम होता है। तो दो तरह के एंगल आ जाते हैं, एक तो थीटा बिटवीन और एक थीटा रिफ्लेक्स। तो थीटा बिटवीन अगर आपको पता है, थीटा रिफ्लेक्स आप खुद से निकाल सकते हो। कैसे, अगर आपको थीटा रिफ्लेक्स निकालना हो तो टोटल सर्कल का एंगल कितना है, 360। 360 से बिटवीन हटा दो, बिटवीन हटाने के बाद में जो बच जाएगा वो आपका थीटा रिफ्लेक्स ही कहलाएगा। ध्यान रखना आपको थीटा बिटवीन आना चाहिए, ठीक है, थीटा बिटवीन आना चाहिए। तो थीटा बिटवीन को 360 से घटा दो, जो भी बच्चा है वो आपका, ठीक है आंसर। अब बात करते हैं यहां पर कुछ तो चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। अब क्या, तो जब समय दे रखा हो, देन हाउ टू फाइंड एंगल, तो एंगल कैसे पता करें। दो तरह के एंगल होते हैं, बस एक सीखना है बिटवीन, बाकी सब आप कर लोगे। एक मेथड होता है बेसिक, बेसिक में नहीं जाएंगे अभी, हम सीखेंगे फॉर्मूला मेथड। और एक होता है ट्रिक बेस्ड। अगर आप ट्रिक बेस्ड मेथड सीख गए तो उससे बेटर कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा। ध्यान रखना आप, ट्रिक बेस्ड बहुत ही आसान है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बिटवीन। थीटा बिटवीन कहता है कि आवर को 30 से गुणा करके मिनट को 11 से गुणा करके डिवाइड बाई 2 कर लो और आंसर आ जाएगा। ट्रिक बेस मेथड क्या होता है, ट्रिक बेस कहता है भाई थीटा बिटवीन आप क्या करो, पहले मिनट की वैल्यू आप क्या करेंगे, जो गैप है वो निकाल लो दोनों सुइयों के बीच, आवर और मिनट एंड के बीच का गैप निकाल लो, इंटू 6 कर दो, प्लस माइनस मिनट का आधा कर दो, प्लस माइनस मिनट का आधा। तो आवर की स्थिति और मिनट की स्थिति निकालेंगे, तो आवर एंड और मिनट एंड की स्थिति निकालने के बाद दोनों के बीच का गैप इंटू 6 प्लस माइनस मिनट का आधा। अब प्लस मिनट का आधा कब करेंगे और माइनस मिनट का आधा कब करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। हमेशा आवर की वैल्यू देखेंगे, जब आवर एंड की वैल्यू ज्यादा होगी मिनट एंड से, तो प्लस का आधा मिनट का आधा प्लस कर देंगे, और आवर एंड की वैल्यू जब मिनट एंड से कम होगी तो माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्यों कैसे क्या वो बात करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है, यहां पर क्वेश्चन है इफ अ क्लॉक शोज थ्री थर्टी एम पीएम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर घड़ी में 3:30 हो रहा है। देन फाइंड एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल बताइए, ये एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन बोथ द हैंड, देन फाइंड एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, तो ये सेम हो जाता है। तो इसको करने के दो मेथड सीखेंगे हम, देखते हैं अब इसको कैसे करते हैं हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हम सीखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बिटवीन 30h डिफरेंस 11m/2,
इसी फॉर्मूले को लोग अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको जो बताया जा रहा है वो याद रखे आप। अब अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन में कुछ चीजें आप माइंड में रखें, देखें 30H, H मतलब आवर, M मतलब मिनट, M 11, 30 डिवाइड बाई 2, यहां से करोगे 90 आएगा, यहां से करोगे तो ये आ जाएगा 330 डिवाइड बाई 2, यहां से अगर आप करोगे 90 डिफरेंस, यहां आ जाएगा 165, यहां से आ जाएगा 75 डिग्री, ये वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका जो ट्रिक बेस्ड मेथड बताऊं, तो अगर ट्रिक बेस्ड मेथड की बात करोगे ना तो मैं ऐसे करूंगा, देखो आवर और मिनट एंड की स्थिति बदलने के लिए चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको याद रखना है, फिर फॉर्मूला लगेगा। तो ट्रिक बेस्ड मेथड क्या होता है, गैप इंटू 6 प्लस माइनस मिनट का आधा, तो आप क्या निकाल सकते हो, थीटा बिटवीन, तो आप क्या निकाल सकते हो, थीटा बिटवीन। लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा आवर में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, कैसे, अगर 3 30 हो रहा है तो आवर वाली सुई यहां पर फिक्स मानी जाती है 3 पर और ये यहां पर, ठीक है, तो 3 30 ये एग्जैक्टली 3 पर नहीं होती, मानी जाती है, तो इसकी वैल्यू हो गई मिनट की वैल्यू 15 और इसकी वैल्यू 30, इसलिए हम आवर और मिनट की वैल्यू को फिक्स करके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहां पर फिक्स करके क्वेश्चन करते हैं। देखिए तो करेंगे क्या, ये आ जाएगा आपका यहां से, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 30, दोनों के बीच का गैप कितना, गैप आ जाएगा 15, गैप इंटू 6 90, आवर की वैल्यू देखो ज्यादा है तो मिनट का आधा माइनस, मिनट है 15, 15 माइनस 75 आंसर, ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको सीखने के लिए आपको करना है, लिखना भी नहीं पड़ता। अब जैसे मैं ओरल करना चाहूं तो ओरल भी कर सकता हूं इससे, ओरल देखिए कैसे कर सकता हूं, तीन तीन की वैल्यू अगर हम देखें तो पहले मिनट की स्थिति, वो आवर की स्थिति निकाल लो, 15 हो जाएगी ना, 3 पर फिक्स है तो 15 और 30 दोनों के बीच का गैप, 15 और 30 के बीच का गैप 15 हुआ, गैप इंटू 6 90 हो गया, आवर की वैल्यू अगर देखेंगे मिनट से कम है, 15 और 30 है तो आवर की वैल्यू कम है तो मिनट का आधा माइनस, 90 माइनस 15 75 आंसर। तो ओरल भी कर सकते हो आप इसको, बस आपको ये पता होना चाहिए मेथड कौन सा यूज करना है, तो इसके लिए मैंने आपको मेथड बता ही दिया, चलिए देखते हैं हम लोग। तो 3:30 हुआ है, पहले हम दोनों की स्थिति पता करना है, ये 15 पहले 5 से गुणा फिर 6 से, रटने वाली स्थिति है, गैप गैप आया 15, गैप इंटू 6, गैप आता है जब आवर की स्थिति आप फिक्स कर लो, मिनट की स्थिति फिक्स कर लो, ठीक है, तो गैप इंटू 6, तो 15 × 6 प्लस माइनस मिनट का आधा, मिनट है 30 का आधा 15। अब बात यहां होगी प्लस यूज होगा या माइनस, आप देखो आवर की स्थिति 15 मिनट है, आवर पीछे है, मेन कॉन्सेप्ट ये होता है आवर मिनट से पीछे है तो माइनस, ठीक है। अब देखो जरा, तो आवर की वैल्यू कम आ रही है तो वो पीछे होगा तो माइनस यूज होगा, तो 90 माइनस 15 बराबर 75, ठीक है। एक बार मैं जरा इसको फिर से बताता हूं आपको, ये तो हो गया डिटेल वाला मेथड, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को दोबारा से, देखिए देखो क्या हो जाता है, 3 30 पहले 5 से गुणा कर लो इसमें, और ये आ जाएगा मिनट की वैल्यू निकाल लो दोनों की, मिनट की वैल्यू कंपैरिजन, ये भी मिनट होगा तभी तो माइनस कर पाओ। अब गैप निकाल लो, गैप कितना आ जाएगा, 15, गैप इंटू 6, तो 15 × 6 प्लस माइनस मिनट का आधा, जरा ध्यान से देखो, तो 15 × 90, अब ये वाली वैल्यू देखो कितनी है, 15 आवर की वैल्यू, हमेशा आवर की वैल्यू देखते हैं, 15 है और ये 30 है तो कम है, तो मिनट का आधा, 30 का आधा 15 माइनस हो जाएगा, 75 डिग्री विल बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, 8:35 टाइम दे रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स और मिनट हैंड और आवर हैंड, एक ही बात। इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते हैं, आप सभी को पता है, पहला मेथड कौन सा है, फॉर्मूला मेथड, और फॉर्मूला मेथड में हम करते क्या है, हमारे पास जो भी टाइम दे रखा होता है उसमें एक आवर है और एक मिनट है, इन दोनों की वैल्यू उठाकर हम फॉर्मूले में रख देते हैं,
30H, H की जगह आवर, 11M बाई टू, M की जगह मिनट, और कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई होप इस मेथड से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए, आप आराम से इसको कर भी लोगे। कैलकुलेशन आपको ही करना है, 30H, 8, डिफरेंस 11M, मिनट की वैल्यू रख देंगे, डिवाइड बाई टू कर लेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 240। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आप उसको निकाल कर और डिवाइड बाई टू कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको आपको बेसिक मेथड से, तो मैंने ये आपका फॉर्मल मेथड से बता दिया, ट्रिक मेथड से बता देता हूँ इसको, जरा देखिए कैसे करेंगे। तो आप पहले आवर एंड और मिनट एंड की फिक्स वैल्यू निकाल लेते हो। ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा पहले फिक्स वैल्यू निकाल लेते, तो 8 की वैल्यू हो जाएगी 40, क्योंकि अगर एक पर सुई है तो 5 मिनट होते हैं, दो पर सुई है 10 मिनट, तीन पर सुई है तो 15, और चार पर सुई है तो 20 होते हैं, ये बात सबको पता होगी। तो यहाँ 8 पर अगर मिनट वाली हैंड है तो 40 हो जाएंगे ये 35, तो पहले 5 से गुणा होती है आवर में, फिर इस तरह से। अब दोनों के बीच का गैप, गैप याद है ना, मेथड थीटा बिटवीन के लिए, गैप इंटू 6 प्लस माइनस मिनट का आधा, ये मेथड होता है। कुछ नहीं करना, आवर की वैल्यू ज्यादा तो आप प्लस मिनट का आधा करेंगे वरना माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो दोनों के बीच का गैप कितना आया भाई, गैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो गैप आएगा 5, गैप इंटू 6 30 हो जाएगा, आवर की वैल्यू ज्यादा है, मिनट का आधा जोड़ देंगे 17.5 जोड़ देंगे, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 47.5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी कैलकुलेशन करोगे अगर आप, तो 240 था ना, अब कैलकुलेशन कर ली होगी आपने, तो इनको करेंगे तो 11 5 55, और 11 3 33, और ये आपका हो जाएगा 385/2, 385/2 का वैल्यू मतलब हो जाएगा 192.5, यही तो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 192 में से ये अगर आप घटाओगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा आप घटा सकते हैं, यहाँ से बचेगा 7.5, और ये 40, तो 47.5 आ जाएगा। तो मेथड दोनों ही सही है, ये आपका ओरल कर देगा, इसको और भी बेटर वे में कर सकते हो। ये तो मैंने लिखा, 8 का मतलब 40, इसका मतलब 35, दोनों के बीच का गैप कितना है 5 मिनट, तो गैप इंटू 6 30, आवर की वैल्यू ज्यादा तो 17.5, ऐसे ही कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आवर की वैल्यू ज्यादा तो प्लस वरना माइनस, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए देखिएगा। क्लॉक शोज 9, 9 की जगह थोड़ा सा टाइम डिफरेंट लेते हैं, ठीक है, जिससे आप माइनस वाला भी सीख पाओ, 345 ले लेते हैं, चलिए 345 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या देन फाइंड थीटा बिटवीन, थीटा बिटवीन बताओ और थीटा रिफ्लेक्स, दो क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, एक तो फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना वही मेथड आवर की वैल्यू और मिनट की वैल्यू फिक्स कर लो। तो अगर यहाँ पर आप फिक्स करना चाहोगे तो ये हो जाएगा, आवर फिक्स होगा 15 पर और ये 45 पर, पहले 5 से मल्टीप्लाई फिर 6 से, अब गैप इंटू 6 ना, फॉर्मूला याद है, गैप इंटू 6 प्लस माइनस मिनट का आधा, अब इससे हम कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों के बीच का गैप है 30 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 180, आवर की वैल्यू कम तो मिनट का आधा माइनस 22.5, यहाँ से आ जाएगा 157.5, ये हो गया थीटा बिटवीन। थीटा रिफ्लेक्स के लिए क्या करोगे, सभी को पता है थीटा रिफ्लेक्स के लिए क्या करते हैं, 360 में से थीटा बिटवीन घटा दोगे तो ये आपका आ जाएगा। तो 360 में से जब आप बिटवीन वाला घटाओगे 157.50, तो आपका यहाँ पर बचेगा 202.5 डिग्री, ये हो गया थीटा रिफ्लेक्स, दो एंगल हो गए। तो आई होप आपको एंगल निकालना समझ में आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, मेहनत से पढ़ते रहें।